आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज स्वप्ना किचन में मैं स्वप्निल आपके लिए बनाने जा रही हूँ बेहद स्वादिष्ट और चटपटा गलका। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज कच्चे आम, आधा कटोरी चीनी, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1/2 चम्मच भुना पिसा जीरा, 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच पंचफोरन। अगर आपके पास पंचफोरन नहीं है तो आप 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/2 चम्मच सौंफ भी ले सकते हैं और नमक स्वादानुसार। आम को अच्छी तरह धुलकर छील लें और मध्यम आकार में काट लें। यहाँ पर हमने तेज आंच पर प्रेशर कुकर रखा है। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालें पंचफोरन और इसे अच्छे से मिलाएं। अब इसमें डालें हींग। आप देख सकते हैं मसाले भुन चुके हैं। अब इसमें डालेंगे कटे हुए आम, नमक, दो से तीन चम्मच पानी और इसे ढक्कन लगाकर 3 मिनट तक पकाएंगे। देखिए आम पक चुके हैं। अब इसमें डालें भुना पिसा जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और चीनी। अब इसमें डालें 1/2 कप पानी और इसे फिर 3 मिनट तक पकाएं। इस आम के सीजन में एक बार गलका बनाना तो बनता है। ये बेहद स्वादिष्ट होता है और इसे आप पूरी, पराठे, रोटी, सब्जी सबके साथ खा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये आलू के पराठे या स्टफ्ड पराठों के साथ खाने में बेहद टेस्टी लगता है। ये लीजिए, चटपटा गलका बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको ये गलका पसंद आया हो तो।
मैं स्वप्निल इजाजत लेती हूँ आपसे, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।